बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बसपा अकेले लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। साथ ही उन्होंने किसी तीसरे मोर्चे और किसी के साथ गठबंधन करने की अटकलों को भी खारिज कर दिया है। चर्चा चल रही थी कि तेलंगाना में बीएसपी और बीआरएस एक साथ आ सकते हैं, तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि बीएसपी इंडी गठबंधन का भी हिस्सा हो सकती है। लेकिन अब मायावती के इस फैसले ने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को यूपी में नुकसान पहुंचा सकता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस मायावती के पास यूपी में सिर्फ एक विधायक है और उसके अपने सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, उस नेता का इतनी बेसब्री से क्यों इंतजार हो रहा है और उनका किसी के साथ गठबंधन ना करना किसे नुकसान पहुंचा सकता है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी मायावती। लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर आए दिन चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं, इसीलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। इस ट्वीट के बाद लोकसभा चुनाव में बीएसपी की भूमिका को लेकर तस्वीरें साफ हो गई हैं। हालांकि अब भी कुछ लोगों का मानना है कि मायावती इंडी गठबंधन पर सीटों को लेकर दबाव वाली राजनीति कर रही हैं। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल हम बीएसपी की पॉलिटिक्स पावर की बात कर लेते हैं। क्या है बीएसपी की ताकत, क्यों कांग्रेस करना चाहती है गठबंधन? बीएसपी की स्थापना साल 1984 में कांशीराम ने की थी। इसके कोर वोटर दलित हैं। साल 1993 के बाद यूपी में बीएसपी का दबदबा बनना शुरू हुआ था और यहाँ पर मायावती और कांशीराम इसके चेहरे थे। 1993 से 2022 के बीच बीएसपी को यूपी में कभी भी 19% से कम वोट नहीं मिले हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में दलितों और सामान्य वर्ग के जातीय समीकरण को साधते हुए बीएसपी ने 3/4 सीट जीतकर सत्ता पर पहुंची थी और अपने दम पर सरकार बनाई थी। यह पहला मौका था जब बीएसपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। इस चुनाव में बीएसपी को 30.7% वोट मिले थे। 2014 के बाद कैसे कमजोर हुई बीएसपी? 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब भी उसका वोट से 19.77% था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसे 19 सीटें मिली तो उसका वोट से 22.23% रहा था। यूपी में कुल 21% से ज्यादा दलित वोटर है और अकेले जाटों लगभग 13% है, जिन पर बीएसपी की गहरी पकड़ है। जाटों और दलित की दूसरी उपजातियों को मिलाकर करीब 23% वोट बनता है, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मिला था। लेकिन मुस्लिम वोटर बिल्कुल ही मायावती से खफा नजर आए, जिसका नुकसान उसे उठाना पड़ा था। तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19% वोट मिले थे। इसके साथ ही यूपी में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी भी बनी थी। इस चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। हालांकि इस चुनाव में बीएसपी और सपा एक साथ चुनाव लड़ी थी, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे 12% वोट मिले थे। ये अब तक का सबसे कम वोट है बीएसपी के लिए। बसपा के अकेले चुनाव लड़ने पर किसे होगा नुकसान? यूपी के अलावा बीएसपी की राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के दलितों पर भी अच्छी पकड़ है। राजस्थान में 1.82% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एमपी में 3.38% वोट शेयर के साथ 110 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही थी, हालांकि एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। छत्तीसगढ़ में भी उसे 2.05% वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ गठबंधन कर इन राज्यों में दलित वोटरों को अपने पक्ष में करना चाहती है। यदि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। यदि दलित वोट बैंक इधर उधर होता है तो कांग्रेस को नुकसान हो सकती है। अब ऐसे में मायावती किसे कितना नुकसान पहुंचाती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप मायावती के इस फैसले को कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।